प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि चाकू लेके हमें लूटने आया था, मैं क्या करता? मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? इसी तो बहू ढूंढना थे हमें। जी मम्मी जी। जो मैंने मम्मी जी कह के बुलावे। अच्छा आप यो ताता सीढ़ा छोड़ो, यू बताओ आपने मैं सुथीला किया कि नहीं? No. एक बार मिल ले बेटा। तो विचार तो हमारे आई गेस काफी मिल ही रहे हैं। वो सुथरी चोरी है। वो तो मेरी सास मुझे छोटे कपड़े नहीं पहनने देती सर, ना तो मैं रील बना बना सिस्टम पाड़ दू। रुपए पैसे नहीं चुराती मैं तो बस बाजार में कोई बढ़िया सूट साड़ी के मैं आ रहा हो तो बस वो एक उचका लिया करू हूँ। सारी जीवन की जमा पूंजी लुट गई, चोरी का ब्याह क्यों कर करेंगे? ये तो बहुत तेज उल्टा भाग रहा है सर, बड़ी अजीब स्किल है। जनाब इतनी देर तो मैं सीधा भी नहीं भाग सकता। मम्मी जी इस महीने तो हमारा ही बहुत खर्चा हो गया है, इनकी नजर मेरी पेंशन पे है। आपको कातिल के बारे में कुछ पता चला सर? उस रात जब मर्डर हुआ तब आप कहाँ थी? मैं घर पे ही थी। ये आप क्या मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, मैं तो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था। सर अब तो बता दो इस चुन्नी का क्या राज है? आप ही ने गोली चलवाई है। मैं क्यों चोरी करूंगी साहब? उस रात गोल्डमैन सतबीर को लूटने क्यों गया? लोगों से भरी रैली में जब कोई नेता मरता है तो सतपाल जी वो मरता नहीं अमर हो जाता है। कातिल पकड़ा तो जाएगा ना सर, कभी उसने हम पर दोबारा हमला किया तो? आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है।